Hey guys, welcome to my YouTube channel which is Pallo Behan on Dhuli's classroom. This is the part number 6 of light reflection and refraction. And हम लोग ये वीडियो में रिफ्रैक्शन का टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स को बस ऐसे मतलब उसका सिर्फ नाम देख लिया था. इस वीडियो में उसका हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन और उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे. तो वो लास्ट वीडियो में फर्स्ट उसका पार्ट था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका क्या मतलब हुआ, चलिए उसके फॉर्मूले से समझते हैं. ये उसका फॉर्मूला है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, मतलब कि अगर उन दोनों मीडियम्स का जो मीडियम दिया होता है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक बीच में लाइन है, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू. और अगर कोई भी लाइन फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पास होके ऐसे हुई, ये है नॉर्मल. तो अगर कोई भी मतलब ये रिफ्रैक्शन का है ना, तो मीडियम वन ये रहा मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, एयर और ये है वाटर, मतलब कि लाइट तो बेंड होगी ही. तो अगर हमें इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढना हो तो इन दोनों मीडियम्स का स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि मीडियम वन में लाइट की स्पीड कितनी है वो, और मीडियम टू में लाइट की स्पीड कितनी है वो, मतलब कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी है अपॉन वाटर में लाइट की स्पीड कितनी है, उन दोनों का रेशियो को हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम वन और मीडियम टू के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. फिर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मतलब एक ही मीडियम का वो एयर या फिर वैक्यूम के साथ अगर उसका रेशियो फाइंड आउट किया जाए तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर यहाँ पे उसका वो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे आएगा इन मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम जो दिया गया हो. ओके, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में जितनी भी स्पीड हो अपॉन करके स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जो मीडियम हमें दिया गया हो. देखो यहाँ पे मीडियम वन और मीडियम टू लिया गया था, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर के साथ दूसरा मीडियम का फाइंड किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फिर यहाँ पे वापस से इंसिडेंट रे क्यों आया, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन का हमारा टॉपिक हो रहा था, आप जरा सा रिमेम्बर कीजिए, रिफ्लेक्शन का टॉपिक में इंसिडेंट रे आया था, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, लेकिन इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इट्स एन इनकमिंग रे ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अभी एक मिनट देखो, यहाँ पे हमने वापस से एक लाइन ली. अब रिफ्रैक्शन हो, देखो रिफ्लेक्शन ऐसे करके ऐसे जाता था, ये नॉर्मल थी. ओके, ये रिफ्लेक्शन था, इसमें ये वाली इंसिडेंट लाइन थी और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइन थी. लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखो ये वाले मतलब जिस पॉइंट सोर्स से वो लाइन, वो लाइट का एक छोटा सा रे जहाँ ये सरफेस पे टकराता है, फिर जहाँ से वो ऐसे रिफ्रैक्ट बैक होता है, रिफ्रैक्ट डाउन होता है, तो ये वाली लाइन होती है वो इंसिडेंट रे कहलाती है फॉर दिस केस, रिफ्रैक्टेड केस में. ठीक है, अगर ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, और ये वाली इंसिडेंट रे कहलाती है इंसिडेंट रे, और ये वाली कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे. उसमें रिफ्लेक्टेड था, ये रिफ्रैक्टेड है. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे इट इज एन आउटगोइंग रे ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब कि ये वाला जैसे मैंने बोला आपको
ये वाला रे जो बाहर मतलब जो इंसिडेंट रे आई किसी सरफेस पे, उसने मतलब ऐसे टक्कर मारी और वापस से कई और डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो ये वाली रे होगी हमारे रिफ्रैक्टेड रे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू, ये आई है वन नहीं है आई है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड परपेंडिकुलर लाइन और नॉर्मल। उप्स ओके देखो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि एंगल आई क्या होता है, अगर हम या अगर नहीं लेकिन हमें यहाँ पे एक नॉर्मल भी बनाना होगा जो एग्जैक्टली होगा परपेंडिकुलर विथ द सरफेस, ठीक है। ओके तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे री ना सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, उसे हम लोग एंगल आई बोलेंगे। और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, उसे हम लोग एंगल आर बोलेंगे। आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रिफ्रैक्टेड रे, मतलब फॉर इंसिडेंस रे इन रिफ्रैक्शन, एंड एंगल आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर लाइन विच इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया, अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ना है। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, नॉर्मल है, वो सारे के सारे एक ही प्लेन पे कवर, मतलब एक ही प्लेन पे वो सारे के सारे लाई करते हैं, वो है लॉ नंबर वन। फिर सेकंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, उसका अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। वहाँ पे मैं वो लिखना नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो बताती हूँ कैसे होता है। देखो मतलब कि जो फॉर्मूला था वो इसमें अभी लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। साइन आई आई था ना, देखो साइन रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई मतलब एंगल आई ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला साइन आई, फिर अपॉन में जाएगा साइन आर के। और वो दोनों देंगे, अगर हम लोग रेशियो निकाले साइन आई अपॉन साइन आर, आई मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो हमें मिलेगा कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। अगर हम लोग रेशियो निकाले साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, तो वो हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा। फिर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेज। लेंस हमारा न्यू टॉपिक है, द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब ये रिफ्रैक्शन का ही एक टॉपिक है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग जैसे वो था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे लेंस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसिज इन विच एटलीस्ट वन सर्फेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। अभी यहाँ पे लेंस का हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो लेंस कैसा होता है, हमें जो मिरर था वो एक ही साइड से बेंडेड था, ये थी रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। अब ये लेंस कैसा होता है, वो ऐसे दोनों साइड से कर्व्ड होता है, या तो ऐसे होता है या तो ऐसे होता है। उप्स मतलब ये ऐसे और ये ऐसे है, कुछ ज़्यादा ही हो गया, और यहाँ पे ये ऐसा होता है, ठीक है। ये जो आउटर साइड कर्व्ड होती है वो हम उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और जो इनर साइड कर्व होती है